सहयोगी जावेद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, हमने कल भी देखा कि आपने अंजलि के मामा से बात की थी, अंजलि की माताजी से बातचीत की थी और वो इन दावों को झुठला रहे हैं। अब परिवार 11 बजे सुल्तानपुरी थाने जाएगा, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इसमें अपडेट यही है कि परिवार जो है अब से थोड़ी देर बाद सुल्तानपुरी थाने जाएगा और ये मांग करेगा कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि हत्या हुई है, ब्रूटल तरीके से हत्या हुई है। प्रेम है जो कि मामा है अंजलि के, सबसे पहले कि परिवार सुल्तानपुरी थाने जा रहा है। क्या मांग करेगा परिवार जाकर? परिवार जाकर मांग यही करेगा कि 302 लगाई जाए, जो हमने कागज में लिखित में दी थी उसकी FIR कॉपी हमको मिले। 76 के मुताबिक हमने ये कॉपी दी थी, लिखवाई थी, बयान दिए थे कि अगर हमारी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, अगर दुष्कर्म हुआ हो तो 76 लगाने की हमने अनुमति करी थी, वो दुष्कर्म नहीं हुआ तो 76 तो नहीं लगेगी, पर 302 तो लगनी चाहिए। 302 लगवाएंगे। कल आप ये भी कह रहे थे कि निधि के खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, निधि जो बयान दे रही है उससे भी आप लोग परेशान हैं? बिल्कुल होना चाहिए, उसको उसके ऊपर भी, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, सब उसके ऊपर, उसके ऊपर सब कुछ पता होने के बावजूद नहीं उसने किसी को, दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करा और आगे भी नहीं इन्फॉर्म करना, मतलब ये पहले से सब कुछ, सब चीज की साजिश थी। निधि इसमें साजिश में शामिल थी जो अब हुआ है? बिल्कुल इस केस में निधि बिल्कुल शामिल है। हम कहते हैं निधि को भी रिमांड रूम पे लिया जाए। अच्छा, एक और चीज बताइए कि अब तक जो पुलिस की जांच हुई है, परिवार उससे संतुष्ट है क्या? नो, अगर पुलिस की सही छानबीन हो तो इतने दिन केस लड़ने की तो जरूरत नहीं है। उससे सख्ताई से पेश आए, उसको रिमांड पे लिया जाए, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको सब कुछ पता है, वो साजिश है, प्लानिंग है, हत्या है, हमारे को इंसाफ चाहिए। अच्छा, आज रिमांड भी पूरी हो रही है जो आरोपी इसमें पकड़े गए, क्या आप मांग करेंगे क्या उनकी रिमांड और बढ़े और पूछताछ होनी चाहिए? बिल्कुल हम भारत सरकार से यही चाहते हैं कि उनकी रिमांड को और आगे बढ़ाया जाए, उनसे अच्छी तरह पूछा जाए सख्ताई से कि उन्होंने ये जानबूझ के इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। देखिए, परिवार अभी भी अपनी उस मांग पर कायम है कि बताया जाए कि इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। दो तीन बड़ी बातें जो अंजलि के मामा उन्होंने कही, एक तो 302 बिल्कुल ठीक है, कई तरह के सवाल है जिनका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब चीजों के बीच निधि के दावे सच्चे हैं या झूठे ये पता लगाना पुलिस का काम है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उससे बंद दरवाजे के अंदर पूछताछ भी की। आपको दरअसल ये बताते हैं कि आखिर निधि से क्या कुछ सवाल जवाब किए जा रहे। देखिए, निधि ये दावा करे कि 2 बजे के करीब हादसा हुआ, तब वो अंजलि के साथ थी, लेकिन दावे पर सवाल यह है कि निधि रात 1:30 बजे घर के करीब लगे सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आई। इसके साथ ही निधि का दावा यह भी है कि हादसे के वक्त स्कूटर अंजलि चला रही थी, लेकिन इस दावे पर सवाल ये उठ रहा है कि सीसीटीवी में निधि लाल जैकेट में स्कूटर चलाती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए दावे निधि की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में। अगला दावा उसकी तरफ से किया गया कि हादसे के वक्त अंजलि शराब के नशे में धुत थी, और दावे पर सवाल ये उठ रहा है कि अंजलि की मां का दावा यह है कि मेरी बेटी शराब नहीं पीती थी, ये उनकी मां की तरफ से कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, देखिए निधि एक तरफ दावा करे कि मैं अंजलि की दोस्त हूं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अगर दोस्त थी तो छोड़कर क्यों चली गई थी। और इसी पर अंजलि की मां का दावा यह है कि मैं निधि को नहीं जानती थी, जो कि लगातार अपने आप को दोस्त बता रही है। देखिए, अगला दावा जो है वो ये है कि अंजलि होटल में बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। इतना ही नहीं, ये भी उसने कहा कि देखिए बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से बहुत गुस्से में थी वो। लेकिन इसी पर सवाल ये है कि बॉयफ्रेंड है तो कहां है, अब तक सामने क्यों नहीं आया है, क्योंकि तमाम जांच पड़ताल जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अभी तक बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए, अगला दावा जो है वो ये है कि होटल में अंजलि के बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ, अंजलि का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, जो निधि दावा करे कि हाँ उसका उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। और इसी पर सवाल ये है कि अगर अंजलि और बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हुआ तो झगड़े की वजह क्या थी। और ऐसे में दिल्ली के कंझावला में अंजलि की हुई मौत की मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। आज जबकि हम जिला न्यायालय रोहिणी में मौजूद हैं, यहीं पर उन 5 आरोपियों की आज एक बार फिर से पेशी होनी है, जज के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन यहां सुरक्षा के चौबंद इंतजाम भी कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि अब जो 5 आरोपी यहां पर पेश किए जाने वाले हैं, इसी केस से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, इन 5 आरोपियों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। और ये सबसे खास बात है, सबसे बड़ी खबर है इस पूरे मामले में, क्योंकि अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें जो बातें सामने आई है, कुछ बयानात विरोधाभासी हैं,
परिवार के लोग जिस तरह से लगातार मांग कर रहे हैं कि इन पर कुछ धाराएं बढ़ाए जाए, ऐसे में अब इन पांचों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ बयान अभी भी गुत्थी को और उलझाते नजर आ रहे हैं।